सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु सिंह विद एंड आल्सो वेलकम टू ग्रीना बैटल ग्राउंड। कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट में वन टैप की मॉन्टेज वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट करी थी। उसके बाद से कुछ लोग मुझे मैसेज करने लगे, भाई वन टैप के ऊपर वीडियो लाओ। सो मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ला चुका हूँ। इस वीडियो में बेसिकली मैं दो टॉपिक बनाया है मैंने। तो पहले टॉपिक में हम ये पहली टॉपिक की वीडियो है और दूसरी टॉपिक की वीडियो मैं बाद में ले आऊँगा। अगर आपको वन टैप हेडशॉट मारना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर मैं इस वीडियो में जो भी आपको चीज़ें बताऊँगा अगर आप सीख लेते हो तो आपका 100 में से 80% चांसेस होंगे कि आप वन टैप हेडशॉट मार लोगे। और जो 20% होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, जो कि एडवांस है, बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइप की, आप वो देख लेना। तो हम बात करते हैं कि आपकी, हम इसमें बात करेंगे आप मिस्टेक की, आपकी कुछ जो मिस्टेक होती है वन टैप मारते समय, हम उसमें भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए। तो आपको हमेशा अपनी सेंसिटिविटी 100 रखनी है और जनरल भी आपको अपना 100 रखना है। और जो न्यू बंदे हैं, जो न्यू प्लेयर हैं, जो उन्होंने शुरू किया है अभी फ्री फायर, तो अपना 80 से 85 रख सकते हैं। बाद में धीरे धीरे 90, फिर 90 से 95, 90, 95 और 100 तक ला सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि आपका एम क्या होना चाहिए। आपका मतलब एम सेटिंग जो होती है वो आपको हमेशा डिफॉल्ट रखना है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ डिफॉल्ट आपको रखना है, क्योंकि डिफॉल्ट में एक ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिफॉल्ट में ऑटोमेटिकली जो होता है एनिमी के बॉडी में लॉक हो जाता है आपका एम। जिससे क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर ड्रैग करते हो तो एनिमी के हेड में सीधा वो एम जो होता है आ जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको कौन सी शॉटगन आपको लेनी चाहिए। आपको जब भी आप वन टैप मारे तो आपको हमेशा ऐसी रेंज वाली गन आपको लेनी चाहिए, शॉटगन रेंज जो होती है जिसमें ज़्यादा रेंज हो, आपको वाली गन लेनी चाहिए। जैसे क्या हो गया, आपका स्पास हो गया, आपका M1887 हो गया। आपको शुरू में आपको M10 नहीं लेनी, आप भूल के भी मत लेना, क्योंकि इससे क्या होता है इसकी रेंज नहीं होती तो आप नहीं मार पाओगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको कौन सी स्किन यूज़ करनी चाहिए। तो भाई आपको ऐसी स्किन यूज़ करनी चाहिए जिसकी रेंज ज़्यादा हो और जिसका रेट ऑफ फायर ज़्यादा हो। आप दोनों में से एक कोई भी यूज़ कर, जिसका रेट ऑफ फायर ज़्यादा है जिसका रेंज ज़्यादा है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो आपको भाइयों एक घंटा मिनिमम, आपको एक घंटा ट्रेनिंग मोड में आपको खेलना है, वन टैप को मारना है, शूट एंड रन की आपको जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको मैं गारंटी देता हूँ आप 15 दिन के अंदर आप वन टैप अच्छे से मार पाओगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि कई लोग क्या होता है कि शूट एंड रन मार नहीं पाते, तो वो क्या कर सकते हैं, नॉर्मली जैसे ट्रेनिंग आप लगाते हो तो जो शुरू जैसे कि आता है, शुरू जब होता है वो मतलब उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भाइयों आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या आपको कुछ भी अगर मुझसे कुछ आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ आपकी मदद कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब दोनों कर देना, और नोटिफिकेशन को भी दबा देना अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया, जिससे आपको क्या होगा कि आपको हर वीडियो पहले मिल जाएगी। और अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ भी कोई पॉइंट मैंने अगर मिस किया तो आप प्लीज़ वो भी बता देना। और अगर आपको कुछ भी नया टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि मैं उसमें बनाऊँ वीडियो, तो आप वो भी बता देना मेरे को। और आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। और आपको कुछ भी अगर आपको पूछना है मुझसे, तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जल्दी आएगी, तो आप प्लीज़ देख लेना अच्छे से। तो तब तक बाय बाय।